सोचा था उससे बेस्ट है। और आज उज्जैना की धरती पे ऐसा लग रहा है जैसे आजाद आज हम पहली बार हुए हैं। और जो इस उज्जैना की धरती से मैसेज जाता है, हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि इन काले कानून वापस करो, MSP की गारंटी दो, नहीं तो आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ा भुगतान करना होगा। आज नारी शक्ति और जन आंदोलन बिल्कुल अपने चरम सीमा पर है। उज्जैना की धरती से आगाज हो चुका है एक नई व्यवस्था परिवर्तन का। नहीं, तिरंगा यात्रा तो वही बात है, हम तो पहला भी तिरंगा यात्रा निकाला थे तो उसे कदे नहीं निकाला करते, उनकी भी निकालनी पड़ रही है बेचारे ने, तो 2000 में किसान ले आवा है, ये देखो असली किसान ये है। हम यह दिखाना चाहवा भाई सरकार से, असली किसान आप देखो। और ये तिरंगा यात्रा जो हमने नुकाया था नहीं, तिरंगा यात्रा आप 15 अगस्त ने दिखाओगे तो यह 15 अगस्त ने आप देखो, इसका पूरी पूरी फिल्म देख लो। सरकार मान जाए क्या लगता है? नहीं, हमने तो मनाने की कोशिश करनी है, नहीं 2024 तक तैयार बैठे हैं और 15 अगस्त 3 बार और मना लेंगे। हमने काफिला है, आज महिलाओं कितने ट्रैक्टर में भाग ले रहे हैं? महिलाएं मेरे ख्याल से लगभग 5000 के करीब महिलाएं हैं और पुरुष 15 से फालतू हैं और 5 से 10 हजार के बीच में ट्रैक्टर है, बाइक है और बहुत से साधन है। कहां निकाले आपने ये? हमारी जो सबसे बड़ा हमारा हाईवे है दिल्ली पटियाला हाईवे है और जो हमारा बीच का शहर है, बीचों बीचों शहर है और एक बाईपास रोड है और अब बाहर से आते हुए मंडी में जाके तिरंगा यात्रा पूरी की जाएगी। मेरा नाम पायल है, मैं सफाखेड़ी से आई हूँ और हम मोदी से बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि वो तीन कानून वापस ले ले और इसीलिए हम ये ट्रैक्टरों की यात्रा निकाल रहे हैं। ये पुराना बहाना है दामन कुर्ता, क्योंकि वो तीन कानून वापस ले लेगा तो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। लाखों की संख्या में आई होंगी, बहुत ज़्यादा आई हैं, बहुत ज़्यादा।